हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। कल मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि टाइम भी नहीं हुआ, दुकान के कामों में बिजी थी। तो आज बना रही हूँ परसों शिखर भनार का मेला, जो काफ़ी अच्छा लगा और आप सभी ने भी काफ़ी अच्छा प्यार दिया उस वीडियो में और काफ़ी नए नए सब्सक्राइबर मिले और काफ़ी अच्छा लगता है आप लोग मिलते हो। परसों की वीडियो में मैं कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि मेरा फ़ोन वैसे ही ख़राब हो चुका था, मैं तो टेंशन में आ गई थी। तो मिली मैं आप लोगों से, तो अगर किसी को बुरा भी लगा होगा फ़ोटो, वैसे तो सभी के साथ फ़ोटो खिंचाए और मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाई मैं किसी से, अच्छे से बात जो होती है घुल मिल के अच्छे से बोलना, तो आप माफ़ करिए और फिर कभी मिलना होगा तो आपसे अच्छे से मिला जाएगा। तो बस आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग दिन से कर रही हूँ मैं, खाना वाना खा लिया है। आजकल मौसम काफ़ी अच्छा बढ़िया हो रखा है और रामलीला चल रही है लगातार, तो उन्नील हो रखा है तो फेस भी कुछ ऐसा ही हो रखा है मेरा। तो दुकान के हाल भी आपको दिखाते हैं, सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। ये रही साड़ियाँ जो करने सारे पीको फॉल, करीबन 9-10 होंगे। तो यहाँ से कुछ ऐसे हाल हैं, यहाँ से ले चलते हैं आपको। ये कटिंग है और ये सिलने वाले हैं। सिलने वालों में सभी ज़्यादा से ज़्यादा दुल्हनों के आ चुके हैं, जितने हैं सभी दुल्हनों के हैं और ऊपर भी इनमें दुल्हनों के हैं। और यहाँ से यहाँ को ले चलती हूँ आपको। ये रहे लहंगा, ये रहे, और यहाँ से इधर को, तो कुछ ऐसा हाल है। बाहर ये रहा, बस यहाँ को ये रहा। अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में खाना खाने गए हैं ना। खेतों में देखो बंदर बो रखा था ना, जो दाने बोए थे वो उठा के खाने लग गए हैं, और हमारे खेत में तो अभी कुछ बोया नहीं। और सामने रहे रामलीला के लाउड स्पीकर जो चारों दिशाओं में फैल रखे हैं और गूंजते रहते हैं शाम को। के हो कौन? हाँ हाँ, छोले करेली और बीन्स, ठीक ठीक खींचे। ताऊ जी आ गए थे ना घर से, ताऊ जी गए हैं दिल्ली घूमने, कुछ ऐसा मौसम हो रहा है। यहाँ से ना मकान की भी खूब तैयारी हो रही है जोरों शोरों से, तो ये वाले पिल्लर जब ऊपर आएंगे तो ये वाले की तैयारी होगी। उसके बाद फिर कहाँ से छेकेंगे ये छत में धूप, हंस रहे ताई जी। तो चलते हैं अब। अरे ना मम्मी, ब्याह की तैयारी हो रहा है, शाम को रामलीला में बेचेंगे, पैसे कमाएंगे, फिर अंधेरे में बहुत बिकते हैं ना। कल हिना की मम्मी ने खूब बंदर को मूंगफली खिलाए, आज तो राक्षसों वाला होता है शायद, राक्षस को नहीं मिले। ठीक है चलो, मेरे को डांट रहे हैं। तो आज है हम हैं गोबर सराय अभियान में। ये देखो कैसे दौड़ रहे हैं हमारे घर के सभी लोग। इतना बड़ा ढेर सारा बोल रहे हैं आंटी लोग, कौन आ रहा उनका सामने, थक गए लोग। देखो हमारे खेत में तो हो गया जो मैंने परसों घास काटा था, ये देखो अभी तक कुछ बोया नहीं है, फिर पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गोबर ही सारना है हमें बहुत ज्यादा। दो घात हमारे हो गए हैं। चलो भाई चलो, रखो सिर में सब, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ। और वाह करो, थोड़ा सा झुक के आओ, नीचे वाले में रखोगे? उलझ गए ऊपर से। मुंडी की बेहाल हो गई है, गर्दन की भी आ रहे हैं, ये कितने थके हैं। दीदी के हो रहे मजे, उत्कार बुआरी ले जाना है, हमने क्या खाना है।
दीदी, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया, वहाँ हो गया। चाय बनाओ यहाँ को। दीदी की है चाय बनाने की ड्यूटी। सभी ग्रहण ग्रहण कर रहे, सबके डलिया भर गए हैं। अब देखना कितना बड़ा ढेर था, सारा सार दिया। ये हमारा लास्ट घाट है। 25 वर्ष यहाँ का नहीं दिखाया था मैंने। ये देखो हमेशा यहीं से सारते हैं हम गोबर आंटी के यहाँ से। ये देखो आंटी ने खोदने में मदद की दी। हाथ में दर्द था तब भी खोद दिया पूरा आंटी ने। फिर कितने मदद करा। फिर आंटी के वो देखेंगे ना रिश्तेदार इधर उधर से, फिर आंटी की तारीफ करेंगे ना आंटी। ये भला आंटी हो गोबर लदेना, खुद लदेना। चल ये बोले आंटी हमारे शमदाने देखते हैं दीदी। अच्छा बस बाय बाय। लूसी और सुंदी मुंदी भी यहीं खेल रहे हैं। लूसी अपने बच्चों को खेलना कूदना सिखा रही है ना बुटू। और तेको पसंद है ना बहुत है? बिल्ली पसंद है बहुत। किन्नी पर्स में क्या है? है? पर्स में क्या है? क्यों खाली है। हम तो थक गए यार गोबर सारते सारते। बड़े बड़ी हो जाएगी तो गोबर सारेगी नहीं हमारे साथ, बदबू आती है यार। क्या होगा, सारना तो पड़ेगा ही फिर। हाय, ओ हेलो। देखो अपनी मम्मी पे नजर। वहीं ले जाती हूँ, ले जाना तो कल वहीं से है। तो सो आज के लिए तो बस इतना ही है गोबर सारना। कल है इधर वाला हमारा, इन दो लोगों का इधर वाला ऊपर वाला बगीचा। कल ही है मतलब आधा ढेर वैसे बचा है। अभी चल रहे हैं ये लोग चाय वाय। मेरे को करना है खाने पीने की व्यवस्था। फिर रामलीला भी है आज। अशोक वाटिका लगा रहे थे, बच्चे तैयारी कर रहे थे, पर ले चलती मैं आपको। लेकिन साग सब्जी की तैयारी करनी है। और यहाँ साइड को कुछ ऐसा चल रहा है, सभी देख रहे हैं आज हाथ पैर कहाँ से धोए। तो आजकल हाथ पैर ना यहाँ पर धो रहे हैं। टेम्परेरी नल पाइप लगा रखा है क्योंकि वहाँ था ना वहाँ तो ऐसा बन गया। हम चलते हैं घर को। चलो लूसी चलो। आजकल यहाँ ऐसा कर दिया, पहले यहाँ पे नल हुआ करता था हमारा। किसी समय में किसी ज़माने में हम गोबर सार के यहीं पर हाथ पैर धोते थे, अब ऐसा नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो चुका है। ओ बूढ़ी जी हमारी बूढ़ी जी बात सुनी रहे भली बात सुन है भली उन्हें है भाई। पर हम जा रहे थे यहाँ क्या हो रहा है मीक तो बना देना हाग जब आप बढ़िया हो सी राम लील जा सी। दीदी देखो किस्मत चाय बना रहे हैं डोंगे में। अच्छा ये हिंदू की स्पेशल चाय है। ये क्यों पका रहा खाने मिल कल पकाने मैं खा सकू ना खाया। चलो ये मिल गया मेरे को दीदी किचन में। मैं चाय नहीं पीती हूँ तो यही मिल गया। इसको भी खा ले। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। ये कल का है पूर्णिमा वाला है? पूर्णिमा वाला पूरी। तो ये मिला गोबर सारने के बाद बहुत बढ़िया। बनो यार विनोद दीपा मस्त हो रहा है। चलो वो लोग आएंगे चाय बनाएंगे। मैं तो दुकान में भी जाना है, घर में भी जाना है। बाय सभी को। नहीं चाय पी के जाओ। सभी को बाय। कल समय से पहुंच जाना सारे। ना ना ऑफिस हुई जल्दी आओ भाई। मजदूर आओ पढ़े लिखे मजदूर नौकरी वाले मजदूर हुए हम। दुकान में आने के बाद दुकान मैंने बढ़ाई। अब चलना है घर की तरफ। मेहमान है वैसे तो ग्रहण था। अब देखते हैं खाना तो बनाना ही है क्योंकि रामलीला भी जाना है। तो अब चलते हैं फटाफट घर की तरफ। दुकान का काम तो ऐसे ही हो रहा है। पहले भी मैंने दिखा रखा है मंजू और दीपा दीदी से। प्रेमा दीदी आधे दिन आए फिर कहाँ चले गए पता नहीं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो अभी शाम के भजन भी लग गए हैं और मेरी सीटी भी लग गई है। मैंने फटाफट कच्चे वाले राजमा की दाल बनाई, आटा गूंथूंगी, सब्जी बनाऊंगी सूर्य के लिए। दीपा और विनोद चले गए हैं बागेश्वर, वहाँ से पिज्जा वीजा खा के आएंगे। तो मेरे लिए काम हल्का हो गया। रोटियाँ सब्जी तो टेंशन होती है अगर मेहमान घर में हो तो।
तो अच्छा हो गया। अगर थके हारे आओ गोबर सार के तो ऐसे मेरे ये वाले चीजें आज पता नहीं बैठ पाऊंगी नहीं बैठ पाऊंगी मैं लाइव वीडियो वहां पे करने के लिए क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए हैं सिर भी। तो अब मैं फटाफट काम करती हूँ अपना, फिर चलते हैं रामला की तरफ। तो अभी शाम के भजन हो रहे हैं और तुम्हें ओ माता मतलब आरती और नीचे अशोक वाटिका सजा रहे हैं देख सकते हो आप। और मैं बैठूंगी अशोक वाटिका के बगल में लाइव प्रसारण के लिए। अभी लोग आ ही रहे हैं धीरे धीरे देखिए, तो मैं चलती हूँ सीधे। हेलो वो देखो जो हिना की मम्मी ने दिन में मूंगफली भूने थे ना, पूछते हैं हिना की मम्मी ने कितने मूंगफली भेजी, सारे बिक गए नहीं बिक गए आजू ऐसी है यार इतने। अरे चलो कल खबर लाना उनको, ठीक है चलो थोड़ा बाय बाय हेलो चलो चलते हैं। तो 12:15 हो चुके हैं, ये है मेरा खाना रोटी मट्ठा सब्जी, तो ले चलते हैं। 12:10 सारा काम डन। कैसे लगे पड़े हैं सभी बिना खाए पिए पिज्जा खा के, कैसा था? सही था, अच्छा था। अपने अपने फोनों में लगे हैं, बिल्ली के बच्चे वहाँ सुला रहे हैं। चलो सो जाओ मैं भी चलती हूँ, गुड नाइट। तो आ गई हूँ मैं खाना खा खो के अपने कमरे में। नमो भी आज रामदा आया था, कैसा लगा रावा दरबार? अच्छा लगा, फिर मैं आ गया, फिर आ गया था ये जल्दी। तो आज सभी ने बहुत ज्यादा सुपर चैट दिया मुझे लाइव में, तो पहली बार लाइव का सुपर चैट था मेरे लिए। बाकी आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ, इसके बाद वीडियो एडिट करूंगी। 1 बज जाएगा मेरे को लगातार 1 बज जा रहा है, वैसे कल ब्लॉग नहीं डाला था मैंने। आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। गोबर सारे की थकान और वहाँ पे लाइव करने के लिए ऐसे ऐसे बैठने के कंधे थके हुए हैं, तो पता नहीं देखते हैं कैसे हो पाता है, करना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ जब भी बन पाएगा, क्योंकि काम का सीजन है तो फिर लगातार व्लॉग भी नहीं आ पाएंगे, तो जब भी आएंगे तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय एंड गुड नाइट।